नमस्कार। आज हम लोग कांग्रेस हो गए थे। आज हम सब ने अश्विनी गुरु जी जो DCC अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बनने बाद में कांग्रेस का बहुत डेवलप हो रहा है। हर तरफ मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और हमारे सामने में बनवाली सतनामी जी भी है, वो भी लगे रहते हैं कांग्रेस के लिए। तो सर आज जो हो रहा वहाँ ईद मिलन को फिर क्या बोले? आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ईद मिलन आरंभ किया गया है और ये जो ईद का अर्थ है महान, इसका अर्थ होता है और ईद में ये आपका भाईचारा का संपर्क बढ़ाती है, अपने अंदर में जो एकता है उसको बढ़ाती है, मजबूत बनाती है। और वर्तमान के समय में, वर्तमान के समाज में जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमको एकत्रित होना बहुत जरूरी, संगठित होना बहुत जरूरी है। जिस तरह की अभी राजनीतिक स्थिति है, जिस तरह हमारा महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मजदूर लोगों को काम नहीं मिलता है, ऐसे जो समग्र देश की अर्थनैतिक व्यवस्था संपूर्ण रूप से एक दयनीय अवस्था हो चुकी है, संपूर्ण रूप से ध्वंस हो चुकी है, उसको बचाने के लिए और पूरी देश का विकास करने के लिए, एक भारतवर्ष को मजबूत बनाने के लिए हमारे अंदर में एकता की आवश्यकता है, जो कि बहुत जरूरी है। और अभी जो सांप्रदायिक शक्ति जो उभर रहे हैं, वो लोग भारतवर्ष की अखंडता और भारतवर्ष की एकता का ऊपर में जो प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, उसका खिलाफ आज लड़ाई करने के लिए चलना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने अश्विनी गुरु जी से उनकी वार्ता सुनी, उन्होंने कहा अब कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, देश की एकता को बढ़ाना है, जो महंगाई के लिए जो केंद्र सरकार जितना महंगाई करी है उसके लिए प्रतिवाद करना है। आपकी आवाज संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हो गया? अरे नहीं, बोलो दो मिनट, आपका नाम बोलो। मोहम्मद नहीं बोल रहा हूँ। संबलपुर मेडिकल का बहुत प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस में संजीवनी में एक भी डॉक्टर नहीं आ रहा था, लेकिन कभी पुलिस सर ने पेशेंट को देखते थे। बाकी जितना संबलपुर का डॉक्टर है, कोरोना का टाइम में बोलते हैं कि सर्दी खांसी जिसको है उसको नहीं देखेंगे। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भाई साहब का बात सुनी, वो कहते हैं कि हमारे कोई डॉक्टर का सुविधा नहीं है। चलिए आपकी आवाज़ संबलपुर, जय श्री सिंह गिरी। शुक्रिया अदा किया जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।